हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल एस एम आई ए पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्डन रिलेशनशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के स्टॉक की। और आप देख सकते हो एक दिन में इस स्टॉक में 6.24% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है और ये जो स्टॉक है 262.95 रुपीस पे क्लोज हुआ है ऑन 4 नवंबर इन द मुहूर्त सेशन। अब आने वाले टाइम में इस स्टॉक के टारगेट क्या रह सकते हैं, इसके सपोर्ट लेवल क्या होंगे और इसके रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं, वो आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए एंड तक आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस स्टॉक का पास्ट 5 डे का डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टॉक में 20.65% की तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। क्लियरली इस स्टॉक में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यदि इस स्टॉक की पास्ट 1 मंथ की डाटा देखें तो यहाँ पे 26.75% की तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। यदि इस स्टॉक का 6 मंथ का डाटा देखें तो यहाँ पे आपको 53.68% की तेज़ी देखने को मिल गई है। तो पहले आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है बहुत ही रेंज बाउंड काम कर रहा था, 200 लेवल के अराउंड ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन अक्टूबर के बाद इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम शो किया हुआ है और नवंबर में इस स्टॉक में सडनली बहुत ही तेज़ी देखने को मिल गई है। आइए आप इस स्टॉक का ईयर टू डेट का डाटा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 30.27% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। यदि इसका 1 ईयर का डाटा देखें तो यहाँ पे 37.10% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि इसका 5 ईयर का डाटा देखें तो यहाँ पे इस स्टॉक ने 159% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हुए हैं। क्लियरली इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसने लीनियरली रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं। जो भी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है, यदि आपने अच्छे रिटर्न्स प्राप्त करने हैं तो आपको उन स्टॉक्स को होल्ड करना होता है फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है, शॉर्ट टर्म में छोटी छोटी करेक्शंस भी आती हैं और इसमें आपको अप ट्रेंड भी देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को होल्ड करोगे तो ज़रूर आपके बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। ऑल टाइम का डाटा देखें तो यहाँ पे भी 159% के राउंड रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक है 2018 में लिस्ट हुआ था। तो अब हम इस स्टॉक के लेटेस्ट टारगेट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसके जो लेटेस्ट टारगेट निकल कर आ रहे हैं, दे आर एट 278 एंड देर इज ए अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 6% इन दिस स्टॉक इन द शॉर्ट टर्म। तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो 262 की है, स्टॉप लॉस इसका आपको 225 पे लगाना चाहिए फॉर ए अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 6%। तो आइए इसके जो टेक्निकल्स हैं वो चेक कर लेते हैं। दिस स्टॉक वाज अनमूव्ड फ्रॉम द अगस्त 20 टू अगस्त 21। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ईयर के लिए इस स्टॉक में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, बहुत ही रेंज बाउंड काम देखने को मिला है। नाउ इट इज़ फाइनली स्टार्टेड टू कट लूज एज वी हैव विटनेस्ड ए सीरीज ऑफ द वॉल्यूम बेस्ड बाइंग सिंस द अर्ली अक्टूबर। तो जैसे हमने भी आपको पहले चार्ट में बताया है कि इस स्टॉक ने अक्टूबर के बाद बहुत ही शानदार पैटर्न शो किया हुआ है। रिसेंटली इट हैड ए ब्रीफ पॉज आफ्टर विटनेसिंग ए गुड रैली। तो बहुत ही बढ़िया रैली शो करने के बाद थोड़ा पॉज भी इस स्टॉक में देखने को मिल गया है। ऑन नवंबर 3 द स्टॉक गेव ए सॉलिड बम्प अप टू रिज्यूम इट्स रीसेंट अप ट्रेंड। नवंबर 3 के बाद इस स्टॉक में फिर आपको जो है अप ट्रेंड रिज्यूम होता दिख रहा है। इफ वी लुक एट इट फ्रॉम ए ब्रॉडर परस्पेक्टिव वी कैन सी प्राइसेस ब्रेकिंग आउट फ्रॉम द 2 ईयर्स ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज विच रिजेंबल्स ए ट्रायंगल पैटर्न। तो इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो वहाँ पे आपको ट्रायंगल फॉर्मेशन देखने को मिल रही है और ये जो स्टॉक है 2 ईयर की कंसोलिडेशन रेंज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो इसका जो दिस इज प्रोबेबली जस्ट द बिगिनिंग, वी एक्सपेक्ट मैनी सच अपवर्ड लेग्स टू द अनफोल्ड, वी रिकमेंड ए बाइंग ऑन द स्मॉल डिक्लाइन फॉर द शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ ₹278 एंड द स्टॉप लॉस कैन बी प्लेस्ड एट प्राइस ₹225।
तो शॉर्ट टर्म के लिए इसके जो है 278 के टारगेट निकलकर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले इस स्टॉक में कंसोलिडेशन हुई थी, इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन क्लियरली आपको देखने को मिल रही है। तो क्लियरली इस स्टॉक में आपको जो है अब पॉजिटिव जो है ट्रेंड भी देखने को मिल गया है। तो आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में आपको जो है 279 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं टेक्निकली। यदि इस स्टॉक का हम एनालिसिस करें तो लास्ट 1 ईयर में इसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ देखें, रेवेन्यू का डाटा देखें, तो जून 20 में इसका जो रेवेन्यू था 109 करोड़ था, सितंबर 20 में ये बढ़ गया है, दिसंबर 20 में फिर ग्रोथ हुई है, मार्च 21 में फिर बढ़ गया है, लेकिन जून 21 में इस कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द कोविड पेंडेमिक। लेकिन ओवरऑल जीरो ऑन जीरो बेसिस पे आप देख सकते हो जून 20 के कंपैरेटिवली जून 21 में बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है इन द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो ये जो कंपनी है बहुत ही बढ़िया कंपनी है और अपने रेवेन्यू को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रही है। यदि इसका नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो यहाँ पे भी बहुत ही शानदार पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहले मार्च 21 तक कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिली थी और जून 21 में यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल गया है, लेकिन ओवरऑल इसकी ग्रोथ हिस्ट्री बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि जैसे ही इकोनॉमिक रिकवरी होगी, अब लॉकडाउन खुल गए हैं, तो इस कंपनी के सितंबर के क्वार्टर भी बहुत ही पॉजिटिव आने के चांसेज हैं। लॉन्ग टर्म का डाटा देखें तो यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहले 2012 से लेकर 20 तक आपको इस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन 21 में आपको जरूर डाउन ट्रेंड देखने को मिला है विच इज़ अगेन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द कोविड पेंडेमिक। तो यदि नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार पैटर्न देखने को मिल रहा है। 2012 से लेकर 2021 तक इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड में यदि हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास मेजर स्टेक है 74.5% का और जो FIIs है उनके पास 1.1% स्टेक है, DIIs के पास 12.73% स्टेक है और पब्लिक के पास जो है 11.67% का स्टेक नजर आ रहा है। बहुत ही मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड में आप देख सकते हो ये जो कंपनी है फाइनेंशियली बहुत ही रोबस्ट कंपनी निकल कर आ रही है, इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही रोबस्ट हैं और इसके टेक्निकल्स आर आल्सो लुकिंग वेरी वेरी ब्यूलिश। तो शॉर्ट टर्म में आप जो है 278 का जो है टारगेट लेके चल सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये जो स्टॉक है आपको बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है।